गमला हमारा रिश्ता है, इसमें जो मिट्टी है वो मैं हूं, इसमें जो खाद है वो हमारी डील है, और ये पौधा ये तुम हो। हमें डर लग रहा है अर्जुन, आपके गुस्से से, आपके इस पागलपन से डर लग रहा है। हमारे जीते जी तो हम आपके साथ कहीं नहीं आएंगे। बिना बोले सबके मन की बात समझ लेती हूँ, बस मैं एक ही हूँ जिसके मन की बात तुम्हें सुनाई नहीं देती ना। मुश्किल में सोल्यूशन ढूंढती हो, आंसू में खुशी ढूंढती हो, मेरे गुस्से में फिक्र नहीं ढूंढ सकती थी तुम, मेरी आंखों में प्यार नहीं ढूंढ सकती थी। हालांकि मैं गुस्सेल हूं, अकड़ू, पर हूं तो तुम्हारा। अपना हक छोड़ देने की इतनी आदत पड़ गई है तुम्हें कि मुझे ही छोड़ दी। हम तो सचमुच स्टूपिड निकले, काश हमने अर्जुन की बात मान ली होती। अर्जुन, अर्जुन, अर्जुन प्लीज फोन उठाओ। खबरदार हमारे पास भी आए तो तुम जैसों की ऐसी की तैसी करने में मुझे माइंड नहीं करती, पर अगर अर्जुन यहाँ है ना तो तुम सोच भी नहीं सकते हो तुम्हारा क्या हाल करेंगे। वो बेचारा यहाँ कहाँ से आएगा, उसे धुतकार गई तो तुम मेरे साथ आई हो। वो हमारी सबसे बड़ी भूल थी, पर जब बात मिश्रे की आती है ना तब अर्जुन ना ही भूल करते और ना ही देर करते, वो भी आते होंगे। तो अभी तेरा गेम नहीं बजा सकता हूँ, लेकिन अनु मैडम ने उनकी और अर्जुन की शादी होने तक रुकने का ऑर्डर दिया है। शादी? अर्जुन अनु से कभी शादी करेंगे ही नहीं। सुबह तक यहीं रहेगी। तुम फिर आ गए। ये क्या कर रहे हैं, ये लोग सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? रिलैक्स अर्जुन, ये बस नानी के ऑर्डर्स पे मिश्री का सामान ले जाने आए। कोई कुछ हाथ नहीं लगेगा, वो जहाँ है वही रखो। जाओ उधर। हम सब पर तो गुस्सा निकाल लोगे, पर नानी को कैसे समझाओगे अर्जुन? मैंने तुम्हें मिश्री के पास भेजा था क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, पर नानी तुम्हें मेरे साथ देखना चाहती है। अब जब तुम मिश्री को वापस नहीं लेके आए तो तुम्हें, मुझे, हम सबको नानी की इज्जत के आगे झुकना ही होगा। ये महान होने का नाटक अगर तुम शेरवानी के बिना और ये शादी का लहंगा पहने बिना आती ज्यादा बिलीवेबल होता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम खुश हो कि मिश्री घर वापस नहीं आए, पर ये सब तो नानी के कहने पर। अर्जुन, क्या तुम्हें मुझ पर
थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। मुझे तुम पर इतना भी भरोसा नहीं है। काश तुम ये समझ पाते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। काश तुम ये समझ पाते कि तुम्हारी खुशी मेरे लिए क्या मायने रखती है। ठीक है तो समझाओ मुझे। मत करो मुझसे शादी। तुम्हारे लिए मेरी खुशी मैटर करती है, राइट? मैं तुमसे शादी करके खुश नहीं रहूंगा, इसीलिए तुम जाकर सबको बता दो कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती। मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है और अभी के लिए तुम्हारे झूठ और बहाने भी, इसीलिए जस्ट गेट लॉस्ट। जाओ। कितनी बार तुम्हें बोलना पड़ेगा कि तुम मिश्री की जगह। मां, मैंने तय किया था कि जब तक तुम मिश्री को घर वापस नहीं ले आता ना, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इतनी मुश्किल से अपने मन को बर्फ सा पक्का किया था, पर बर्फ को कौन सा पिघलने में वक्त लगता है। चल इधर बैठो।